मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई नई विधाएं और ज्ञान के नए नए आयाम हुए हैं। कहीं वेदों की ऋचा है, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के कुल 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमा मंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वंभरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सची, अदिति, लोपामुद्रा, ये सारी माताओं ने वेदों को संवेदना से परिपूर्ण कर समग्र चराचर की चिंता करने वाली है। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। मान्यवर, अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मान्यवर, शासन की बात करें तो 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, कातकीय वंश की रुद्रमा, 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बक्का और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेयी, अरुंधति और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को संपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमें बिल जो लेकर आए हैं मान्यवर, ये भाव से लेकर नहीं आए, एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में क्षति है, एक क्षति को सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं।